सबसे पहले तो नेहा श्री का सबको प्रणाम, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुंबई से कुछ आउटर आए हैं, आउटिंग करने आए और मुहूर्त कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर रितेश जी के साथ। एंड थैंक्स टू शिखा जी जो हमारी फिल्म की प्रोड्यूसर है, जिन्होंने मुझे इस लाइक समझा कि मैं इनके फिल्म में काम कर रही हूँ। और चना चोर गरम तो टाइटल ही कुछ डिफरेंट है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भोजपुरी फिल्म का मुहूर्त आउटसाइड हो रहा है। एंड ऑल्सो पोस्टर पे हमेशा से हीरो वैल्यू रहती है, इस बार हीरोइन वैल्यू है, ये सब हमारे डायरेक्टर कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है काफ़ी, एक न्यू जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, सब लोग अच्छे हैं, यंग टीम है, यंग डायरेक्टर है, यंग प्रोड्यूसर है, सब यंग है, मीडिया भी यंग है। बहुत बहुत खूबसूरत है। मैं जब एंटर कर रही थी यहाँ पे तो मुझे अपने हिमाचल की याद आ गई, मैं हिमाचल से हूँ और हमारे वहाँ भी ऐसे गोल 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 घूम के हम लोग जाते हैं पहुँचते, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा है खुले वातावरण में हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं, ये अच्छा भी है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, टाइटल भी डिफरेंट है सब कुछ। और आपकी अपकमिंग फिल्म और कौन सी है, कुछ बताना चाहेंगे प्रोजेक्ट्स को लेकर? मेरी एक्शन राजा अभी आ रही है यश मिश्रा जी के साथ, और उस रानी हम होंगे नहीं तुहार आ रही है, और गरम मसाला आ रही है अजय जहां जी के साथ, मतलब एक के बाद एक फिल्म देती जा रही है। और अभी रितेश जी के साथ मैंने दिलवाले की थी एज एन प्रोड्यूसर, और मैं सबसे पहले तो रितेश जी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि एज एन डायरेक्टर इन्होंने मुझे अपनी फिल्म में लिया और अच्छा कैरेक्टर करने को दिया है। एंड थैंक्स टू शिखा जी, थैंक्स टू शिवा फिल्म प्रोडक्शन, जिन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सोचा और भोजपुरी के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं। तो फिल्म आज राधे फिल्म का भी मुहूर्त किया गया, तो कहीं राधे में भी कहीं आपका कुछ रोल नजर आने वाला है? वो शायद वो तो आपको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही बता पाएंगे, अभी आपको कुछ नहीं, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, सॉरी। थैंक यू, थैंक यू। आज फिल्म की मुहूर्त की गई है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत खुश हूँ, और शिवा फिल्म फैक्ट्री और शिखा जी जो पहले मेरी फिल्म में बॉर्डर पार सजनी हमारे में एज ए हीरोइन काम कर रही थी, आज हमारी प्रोड्यूसर हैं, तो दोहरी खुशी है मेरे को। और मेरे को उस लायक समझी कि दो दो फिल्में अपने बैनर की करने को दी, और बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरे ऊपर, क्योंकि इसका म्यूजिक भी हम ही को करना है, इसका डायरेक्शन भी हम ही को करना है, बहुत सारी जिम्मेवारी मेरे पर दे दी गई, लेकिन मैं जिम्मेवारियों का फिक्र ना करता, फिल्म अच्छी बनाना है, फिल्म अच्छी बने और फिल्म दर्शकों को अच्छा लगे, क्योंकि दर्शक 30 रुपये का टिकट कटाते हैं, और वो 30 रुपया का इंटरटेनमेंट हम अगर दे देते हैं उसको, तो समझिए कि पिक्चर की हिट है। तो हमें वो पिक्चर कोई भी बनाता हूँ ना, 30 रुपया के अहमियत को देखते हुए बनाता हूँ कि वो 30 रुपये का टिकट कटा के अंदर जाए और उसको 60 रुपये का खुशी लेके आए। मतलब आप फिल्म को बनाने से पहले इस चीज़ को सोच, इस चीज़ को सोच के फिल्म बनाते हैं और पब्लिक को सोच के फिल्म बनाते हैं, और भोजपुरी में पब्लिक को हमेशा अलग देखने को, क्योंकि हिंदी में बहुत बड़े पैसा लगा के लोग अलग अलग दिखाते हैं, और भोजपुरी को लोग अब धीरे धीरे गिरती जा रही, लेकिन हम लोग गिरने ना देंगे, हम लोग उठाएंगे उसको। तो अगर चना चोर गरम फिल्म की बात करें तो किस तरह की फिल्म है, कुछ बताना चाहेंगे? चना चोर गरम गजब फिल्म है, मतलब उसमें समझिए तो हीरो का कहीं से कोई मैं दिखाया ना हो, हीरो कौन है, दोनों हीरोइन को दिखाया हुआ हूँ, और हमारी सोच क्या है कि जैसे बड़े स्टार का फ़ोटो लगा के और मुहूर्त करते हैं तो लोगों में कि आ जाती है कि चलो उसकी फिल्म है, उसकी फिल्म है, तो हम लोग की कामों की अहमियत ना मिलती है, अगर जबकि पब्लिक बहुत सारे 50% पब्लिक जो जाते हैं हमारे जोनर जो जाते हैं वो हीरोइनों को देखने के लिए जाते हैं, तो हीरोइनों भी है लेकिन हीरोइन का कोई उठान नहीं करता है, सब लोग लड़कियों को दबा के रखते हैं, हीरो का रेट बढ़ते जाता है, हीरोइन का घटते जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि हीरोइनों का रेट बढ़े, हीरो का घटे। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर जगह हीरोइनों का ही ज़्यादा, हाँ ग्लैमर तो हीरोइनों का ही है, अगर किसी फिल्म में आप हीरोइन ना दो, सोलो हीरो बनाओ, हाँ, तो पिक्चर ना चलेगी, जब तक हीरोइन बनाओ पिक्चर चलेगी, तो हीरोइन जरूरी है, तो हीरोइन को भी आपने दो दो हीरोइन को एक साथ एक फिल्म में दे दिया। हाँ, दो हीरोइन को एक साथ दे दिया, और मेरी फिल्म में जो चनाचूर गरम फिल्म है वो भोजपुरी में एक जरूर इतिहास रचेगी, क्योंकि वो उस तरह का कंसेप्ट है, वो 60 रुपये का इंटरटेनमेंट दे के जाएगी। और राधे की जहाँ तक बात है, राधे एक्शन मूवीज है, विशाल सिंह जो हीरो है वो एक्शन, वो रोमांटिक ना कर सकता है, तो उसको एक्शन आदमी, जो हीरो जिस तरह का है उस तरह का सब्जेक्ट दिया हुआ है,
उसमें वो पागल प्रेमी है तो उसको एक्शन है, फुल टू एक्शन है उसका फिल्म।